हिंदी मीडियम के छात्र हैं या हिंदी माध्यम के हैं आपको लग रहा है कि हिंदी मीडियम का जिस जुनून और जज्बा से आप कर रहे हैं आपका रिजल्ट आ पाएगा गारंटी होगा गारंटी हर घर में घुस लेता है जहां जाइए सिर्फ घुस से घुस लेते हैं देख के आंख से आंसू निकल जाता है जो अब लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ बोलता हूँ तो मुखिया बोलते है चल चलता है तो घुस लेना तो। रात भर पढ़ते हैं सुबह भी पढ़ते हैं केवल दो ही घंटे सोते हो आप जी वहां से आने के बाद सुबह एक घंटा सो लेता हूँ जब एक घंटा से दो घंटा बीच दोस्तों दिल्ली के मुखर्जी नगर के पास मैं पहली बार एक ऐसा यूपीएससी एक्सपैरेंट देख रहा हूं जो आठ सौ रुपए किराया देता है अपने कमरे का और आठ सौ रुपए में अपनी तैयारी करता है इस वीडियो को आप पूरा देखिए कि, कि किस तरीके से जो यूपीएससी एक्सपैरेंट है आठ सौ रुपये में अपनी यूपीएससी की तैयारी करता है और नमस्ते दोस्तों मैं हूँ शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल अगर आप एक यूपीएससी एक्सपैरेंट हैं आपका सपना है आई बनना आप एक गरीब परिवार से हैं और आपका सपना है आई बनना आपका सपना है यू क्रैक करना आप चाहते हैं कि घर से ही हम यू क्रैक करें आप चाहते हैं कि अब मुखर्जी नगर में जो यू पी एस सी एस्पैरेंट हैं वो किस तरीके से तैयारी करते हैं उनको देख करके आप भी उनकी तरह तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि आज हमारे साथ हैं गणेश कुमार शाह ये हैं झारखंड से ये नवंबर में यहाँ पे गोपालपुर ये नवंबर में जो किताबी रंग बिरंगी दुनिया है मुखर्जी नगर के आसपास गोपालपुर यहाँ पे आ गए थे और ये हमारे एक सब्सक्राइबर भी हैं बहुत पहले से वीडियो देख रहे थे आज रात में जब मैं इनसे मिला सात मार्च दो को फ़िलहाल अभी तारीख़ है आठ मार्च दो क्योंकि सुबह के लगभग तीन बज के कुछ मिनट हो चुके हैं जो कि मैं आपको दिखा देता हूं अभी तीन बज के तैतालीस मिनट हुए हैं आप अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं तो तीन बज के तैतालीस मिनट हुए हैं अब आप लोग भरोसा करते हो दिखाने की वैसे ज़रूरत नहीं है दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अगर आपको पढ़ाई करते करते नींद आ जाती है रात को या दिन में तो आप अपनी नींद को कैसे भगा सकते हो क्योंकि आज हमारे साथ में गणेश कुमार झा हैं यह झारखंड से हैं ये केवल एक दो ही घंटे सोते हैं और ये कहते हैं कि मैं दस मिनट झप्पी लेता हूँ बस मेरी सारी नींद भाग जाती है आखिर इनसे ही जानते हैं कि किस तरीके से ये दस मिनट की झप्पी लेते हैं और बाकी के रात दिन पढ़ते ही रहते हैं और इनका यू क्रैक करने का एक सपना है और मुझे इनके अंदर एक जुनून दिखा मुझे इनके अंदर एक जज्बा दिखा मुझे इनके अंदर एक साहस दिखा मुझे इनके अंदर एक हिम्मत दिखी यूपीएससी क्रैक करने की क्योंकि मैंने देखा जब ये लाइब्रेरी से आए रात के एक बजे अपने कमरे पर तो ये खाना नहीं बना रहे थे इन्होंने कहा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा लेकिन हमने और जितेंद्र भाई ने कई बार बोला आप खाना बना लो या यहाँ से ले लो आप खा लो तो इन्होंने केवल रोटियां बनाई तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मुखर्जी नगर के आसपास जो यूपीएससी पी रहते हैं सब्जी नहीं खाते हैं कुछ पैसे बचा करके किताबें खरीदते हैं या अपने जरूरत का सामान खरीदते हैं लेकिन कभी कभी रोटियां सूखी खा लेते हैं रूखी खा लेते हैं लेकिन सब्जियाँ नहीं बनाते हैं तो इनसे ही अभी बात करने वाले हैं क्योंकि आज इन्होंने बिना सब्जी के भी रोटी खाई है अपनी यू की तैयारी को आगे जारी रखने के लिए तो ऐसा समय भी यहाँ पर आता है और ऐसा बहुत सारे यू पी एस सी एक्सपेरेंट यहाँ पर करते हैं सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा गणेश कुमार साहब आज, हाँ। आज आप इतने लेट आए लाइब्रेरी से एक बजे हाँ। आप डेली लाइब्रेरी से इतने बजे आते हैं या फिर आज ही आए हैं नहीं पर डेली ही आते हैं इतना बजे का कि इतना भी हमको भोजन करना होता है तो भोजन करने एक बार आता हूँ फिर वहाँ से लाइब्रेरी चले जाता हूँ फिर वहाँ से सुबह का दस बजे आता हूँ पढ़ के फिर आप सोते कब है आपने वीडियो शुरू करने से पहले बताया कि मैं दस मिनट झप्पी लेता हूँ मेरी सारी नींद गायब हो जाती है देखिए विद्यार्थी को जब ज़्यादा पढ़ना होता है ना तो मेन होता आदत आप जिस तरह जिस तरह का आदत में ढाल लीजिए आप उस तरह बन सकते हैं तो एक यूपीएससी यू की तैयारी करने में आई की तैयारी करने में आपको पढ़ना होता है बहुत ज़्यादा तो उसका नियम है कि आप जितना सिलेबस को पूरा कीजिए सिलेबस को पूरा कीजिएगा तो आप आई बन सकते हो तो उसके लिए आप नींद आता है तो नहीं भी सोते हैं तो उसके लिए एक झपकी झपकी भी ले लेते हैं दस मिनट का झपकी बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि झपकी भी ले लेते तो हैं वो एक, एक, एक दस मिनट का झपकी आपका एक घंटा दो घंटा का नींद पूरा कर दे देता है तो आप कितनी झपकी लेते हैं एक ही लेते हैं झपकी या दो तीन दो ले, 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 ले लेते हैं जैसे कि एक बार एक दो बजे एक बार नींद आता है तो एक दो बार झपकी लिए फिर बीच बीच में ले लेकिन क्या कि जब किताब के सामने आप रहते हैं लाइब्रेरी रहते हैं लाइब्रेरी रहने से क्या कि कोई यहाँ पढ़ते हैं रात भर जगह रहते हैं हम लोग पंद्रह स्टूडेंट हों गोपालपुर में विवेकानंद लाइब्रेरी में सभी पढ़ते रात भर पढ़ते सुबह तक रात भर रात उभर पढ़ते हैं सुबह भी पढ़ते हैं केवल दो ही घंटे सोते हो आप जी वहाँ से आने के बाद सुबह एक घंटा सो लेता हूँ आप जब एक घंटा से दो घंटा के बीच में उसके बाद फिर कोचिंग करना प्लस में फिर अपना लाइब्रेरी में अध्ययन करना ये जो आपकी किताबें हैं आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं कमरे पर कितना पढ़ते हैं कमरे में मैं नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि हम लोग सैयर में रहते हैं तो मेरा कमरा का किराया मात्र पंद्रह सौ रुपया है तो मेरा मंथली में दो हज़ार रुपया खर्च हो जाती है तो मैं मेरा रूम बहुत छोटा मोटा है जिस जिसके जितना बड़ा आपका रसोई घर है उतना बड़ा मेरा रूम है तो उसमें दो आदमी रहना बहुत मुश्किल होता है तो वहाँ पर सिर्फ रहता रहते हैं और खाते हैं सामानवान वामान रखते हैं बाद के समय लाइब्रेरी और कोचिंग कोचिंग दस बजे जाता हूँ So, ग्यारह बजे वहाँ बारह बजे क्लास स्टार्ट होता है दस बजे अपना रेडी होकर ग्यारह बजे निकल जाता हूँ और वहाँ से रात का नौ बजे आता हूँ कौन सा कोचिंग ज्वाइन किया दीक्षांत आई एस का दीक्षांत आय में क्या पढ़ते हैं आप वहाँ पर जी एस करते हैं वहाँ पे और मेरा ऑप्शनल है हिस्ट्री उसका हम लेते हैं मणिकांत सर के पास और इंग्लिश कंपल्सरी जो डी एस एल इंग्लिश है उसके पास करते हैं धर्मेंद्र सर से एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा ये आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है आपने यही क्यों लिया हिस्ट्री रखने से क्या कि देखिए ऑप्शनल के बारे में हम मेरे बारे में पूछिएगा तो हमको हिस्ट्री इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में आपको बहुत सारी चीज़ पढ़ना होगा और इतना सारी चीज़ पढ़ने के लिए सबसे पहले आपका हिस्ट्री जानना अति आवश्यक है तो मेरे जिस तरह मानना है कि हिस्ट्री आप का कि जो जो पीछे हुआ है उसके बारे में आप जान लेते तो आगे आपको सुविधा होगा प्लस में कि आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आगे दूसरा सब्जेक्ट में भी इंक्लूड करने मजा आता है क्योंकि राइटिंग आप कोई भी क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो उसमें तो बहुत सारे हर चीज़ का पहलू होता है और हर चीज़ को दिखाना होता है और आप हिस्ट्री जान जान जाइएगा डिटेल तो आगे का प्रश्न लिखने में अच्छा होगा और जो भी सर चेक करेंगे उसमें नंबर ज़्यादा मिलने के चांस रहता है आप आई एस क्यों बनना चाहते हैं ये बताइए आई एस इसलिए बनना चाहता हूँ झारखंड राज्य के गोड्डा जिले के बड़ी कल्याणी मेरा मेरा घर है वहाँ इतना सारा भ्रष्टाचार होता है कि बाथरूम से लेके कॉलोनी के जो घर होता है इंदिरा का जो प्रधानमंत्री द्वारा होता है जो घर बनता है हर जगह प्रधानमंत्री जग... आवास योजना हाँ आवास योजना वही वाली तो वहाँ तक हर घर में घुस लेता है जहाँ जाइए सिर्फ घुस से घुस लेते हैं देख के आंख से आंसू निकल जाता है तो अब लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ बोलता हूँ तो मुखिया बोलते हैं चल चलता है तो घुस लेना तो हम लोग का ये है हम लोग कहाँ से पैसा कमाऊँ तो मतलब आप भी लेंगे क्या बन के? नहीं मैं नहीं लूंगा मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं प्लस में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको पूरा मिटाना है जहां भी मेरा पोस्टिंग होगा गई पूरे आज आप इंटरव्यू ले रहे हैं आज मेरा ये 2022 हज़ार बाईस है दो में मैं अटैम देने वाला हूँ इस बार मैं नहीं दूंगा 2023 में आपका नंबर मेरे पास है कॉल करके सिर्फ आपको बुलाएंगे स्पेशल फर्स्ट इंटरव्यू आपको ही देंगे क्योंकि आई एस बन के देना है 2023 में क्योंकि जो भी करना है दिन रात एक कर दीजिए दिन रात एक कर दीजिए जो भी लक्ष्य है उसके पीछे लग जाइए सफलता जरूर मिलेगी क्योंकि जो भी आप लक्ष्य बनाए उसके पीछे आप दिन रात एक कर देते हो तो सफलता मिलना उसमें कोई दो मत है ही नहीं है दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूंगा इनके अंदर एक जज्बा है एक जुनून है और सबसे एक भयभीत कर देने वाली बात यह है कि इनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है इनके माता पिता जो बटाई पे जमीन है वो लेते हैं झारखंड पे दूसरे लोगों की और उसमें खेतीबाड़ी करते हैं ये बीच के हैं और बीच का मतलब इनसे बड़ा एक भाई है उसके बाद ये हैं और एक इनसे छोटा है बड़ा वाला भाई क्या करता है वो अपना जॉब करते हैं जो प्राइवेट जॉब है वो भी पढ़ाई कर रहे थे तो पैसा नहीं हुआ पापा नहीं देने सकने लगे तो वो अपना कुछ काम करने लगे उससे मेरा जो छोटा है वो भी अभी काम कर रहे हैं आप अपने मम्मी पापा को कुछ कहना चाह रहे थे जी हाँ मेरे मम्मी पापा बहुत मेहनती है मेरा अपना जमीन धान रोपने के लिए एक भी किलो धान रोपने के लिए नहीं है दूसरे का बटैया करते हैं साटा दूसरे का ज़मीन करते हैं और थोड़ा बहुत सब्जी रोपने के लिए थोड़ा बहुत खेत बाड़ी सब है लेकिन ज़मीन धान रोपने के लिए एक भी नहीं है मेरे पापा दूसरे का बटैया करते हैं और मेहनत करके पैसा कमाते हैं और हमको पैसा देते हैं मैं एक किसान का बेटा हूँ लेकिन मेरे मेरे मम्मी मेरे मम्मी पापा पर एक भगवान का रूप देखता हूँ क्योंकि दुनिया में आपको कोई देने वाला नहीं है कोई नहीं जब कुछ याद आता है जब पढ़ने मन नहीं करने लगता है तो मम्मी पापा को एक बार याद कर लेता हूँ कि मम्मी पापा भगवान दुनिया का देखते हुए हमको जैसे हमको बहुत किसी से हेल्प मांगा बहुत किसी से मांगा को कोई नहीं दिया मैं पहली बार मुखर्जी नगर में पहली बार प्रत्येक दिन रोया हूँ प्रत्येक दिन सच दिल से रोया हूँ क्योंकि जब भी जब का कभी सूखी रोटी खा के रहना होता है कभी पैसा नहीं रहता है तो पापा से पैसा जब भी मांगता हूँ तो आंख से पता नहीं अपने से आंसू निकलने लगता है अपने से क्योंकि मम्मी पापा मेरे पापा खुद फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं पहनते हैं लेकिन हमको देते हैं खुद नहीं मेरे मम्मी पापा थोड़ा बीमार रहते हैं अपना इलाज नहीं करवाते हैं खुद में इलाज क्या नहीं करवा लेते हैं आ, क्या एक बिना भर तो खर्चा करेंगे वो नहीं इलाज नहीं करवाते हैं। लेकिन पैसा मांगता हूँ तो भेज देते हैं पापा लेकिन बहुत मेहनत करते हैं मेरे पा, मम्मी पापा वाकई में दोस्तों इनका संघर्ष देख करके ना कलेजा एकदम फट जाएगा कि वाकई में असली संघर्ष होता क्या है आज से पहले हमने वीडियो तो बहुत ज़्यादा बनाए हैं और आपने देखे भी हैं बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि पूरे देश को ये पता चलना चाहिए कि मुखर्जी नगर में किस तरीके से असली संघर्ष होता है क्योंकि कोई कॉमेडी वाली वीडियो मुखर्जी नगर में आके बनाता है तो आप बहुत ज़्यादा शेयर करते हो क्योंकि वो असलियत में वो असलियत नहीं होती और जो होती है वो आप देखना पसंद नहीं करते हो एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा आप दो में अटैम्प्ट देंगे दो में क्यों नहीं दे रहे हैं आप अभी क्या देखिए जो सिलेब यूपीएससी के जो सिलेबस है उसको पूरा करने में कम से कम एक साल लग जाता है कम से कम उससे ज, कम में तो करोगे कम से कम दस महीना क्या कि देखिए इसलिए तो बहुत सारे लड़के बोलते हैं यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसको जो चाहिए वो चीज़ नहीं दे रहा है वो जो सिलेबस जो पूरा है उस पहले सिलेबस को तो पूरा कीजिए अब बोलता है आप जैसे कि आप एक उदाहरण आपको बताना चाहेंगे कि अब जैसे कि एक कील दीवार में करेंगे टेढ़ा मारेंगे तो नहीं घुसेगा उसको जब सीधा मारेंगे तो पूरे अंदर चला जाएगा क्यों क्यों वो सीधा मार रहे हैं उसी तरह यूपीएससी भी सीधा चलिए जो चाहिए वही पढ़िए दूसरा चीज नहीं पढ़ना है और, और, ये और एक बात बताना चाहूँगा कि आप यदि कोई भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए नगर आना चाहते हैं तो शिवम भाई से कॉन्टेक्ट कीजिए आप क्या ग्रेजुएशन यहाँ पे कंप्लीट करके आए थे या पहले नहीं मैं एस के एम झारखंड से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया आज जैसे कंप्लीट किया तैसे ही आ गया लेकिन रिजल्ट नहीं आया था यहाँ आने के बाद एक नवम्बर नौ, ला, लास्ट में आया रिजल्ट आप मेरा हिंदी मीडियम के छात्र हैं हिंदी माध्यम के हैं आपको लग रहा है कि हिंदी मीडियम का जिस जुनून और जज्बा से आप कर रहे हैं आपका रिजल्ट आ पाएगा गारंटी होगा गारंटी अब जो चाहिए वो बोल रहे हैं जो चाहिए उसको वो दे दीजिए सिलेबस पूरा कर दीजिए आप रात में सोते क्यों नहीं है केवल एक दो ही झप्पी लेते हैं क्या ये झप्पी लेने से झपकी लेने से आप क्रैक कर लेंगे आपको लग रहा है कि हम झपकी ले लेके यूपीएससी क्रैक कर देंगे जी हाँ देखिए मेन होता है आदत आप कोई कोई वीडियो जब देख रहे होंगे कोई न्यू विद्यार्थी वो एक वो सोने के उसका आदत है छः घंटा सात घंटा अब नहीं सोएंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा ये आदत बनाना होता है एक बागे नहीं बनता है करते 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 अभ्यास से बनता है मेरे गुरुदेव जो थे मेरे गुरुदेव मंथ मंथ तक सोया खाया कुछ नहीं कैसे रह गया बिना सोए बिना खाए गुफा घुसा तो कितना दो दो एक एक मंथ रह जाता है अंदर में बिना खाए बिना पानी कुछ नहीं सिर्फ ध्यान तो में आप बिना खाए बिना नहीं, नहीं, रूखी नहीं आप खाते हो रूखी सूखी रोटी खाते हो आप तो बिना सब्जी वाली तो क्या ये गुरु जी ने कहा है कि बिना सब्जी वो नहीं वो तो नहीं कहा है लेकिन थोड़ा सा समय होता है, है समय की परेशानी हाँ परेशानी है कभी पापा नहीं दे पाते पैसा तो मजबूर में कभी ऐसा रोज नहीं खाता हूँ कभी कभी नहीं होता है तो अब पैसा इस बार कुछ ज़्यादा खर्च हो गया था तो बहुत दिक्कत हुआ तो नहीं इस जैसे कभी कभी नहीं बनाता हूँ इसी तरह इसी तरह बना खा लेता हूँ एक क्वेश्चन और मेरा ये जो आप गोपालपुर में रहते हैं आप पहली बार आए थे तो यहाँ पे कमरा कैसे मिला था और ये आपके दिमाग में ये कीड़ा कहाँ से आया कि जाके यू की तैयारी करूँ यू के बारे में कहाँ से पता चला यू के बारे में हमको गाँव से मैट्रिक के बाद से ही पता चल गया था कि वहाँ से पता चला वहाँ से हमको लगा तब यू, यूट्यूब के माध्यम से पता चला कि मुखर्जी नगर में यू पी की तैयारी हिंदी माध्यम में अच्छा करवा रहे हैं तो यहाँ पर आया यहाँ पर एडमिशन लिया तो पता चला कि गोपालपुर में बहुत सस्ता रूम में मेरा रूम का किराया पंद्रह सौ मात्र है तो वहाँ से यहाँ आया और यहाँ पर हम रहने लगे यहाँ पर हर चीज़ सस्ता में मिल जाती है थोड़ा थोड़ा दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद में आपका खून खोल उठेगा आपका खून उबाल मारने लगेगा आएगा कि मैं भी यूपीएससी की तैयारी करूं और यूपीएससी को क्रैक करूं। इनके पास में लिमिटेड किताबें हैं ज़्यादा किताबें भी नहीं हैं क्योंकि टॉपर्स कहते हैं टीचर्स कहते हैं बहुत सारे सीनियर स्टूडेंट भी कहते हैं कि लिमिटेड बुक्स पढ़ो तो लिमिटेड किताबें हैं एन वगैरह हैं आप ये देख सकते हो तो आपके पास में इतनी ही बुक में आप कैसे कर लोगे बहुत सारे अभी मैं स्टार्टिंग किया हूँ तो अब जैसे कि पोलिटिकली एम लक्ष्मीकांत अर्थशास्त्र के रमेश सिंह का है कला एवं संस्कृति नितिन संज्ञान का है यू पी एस सी का ये मेन्स का ये क्वेश्चन बैंक है ये यू पी एस सी का पी टी का क्वेश्चन बैंक है ये एन सी आर टी है फिर ये नोट्स है फिर ये बगल कर दी जाए तो ये मेरा नोट्स है कोचिंग में हम लोग को देता है नोट्स हो गया ठीक है जी हाँ वहीं पर नोट्स देता है इनका रूम इतना छोटा है ना अगर हम आपको दिखाएंगे तो आप भी कहोगे यार कितना छोटा रूम है अभी जो हम ये वीडियो बना रहे हैं ये जो हमारे दोस्त हैं जितेंद्र भाई उनका ये रूम है उसमें इनको रात में बिठाया है क्योंकि जिस रूम में ये रहते हैं उसमें एक और दोस्त रहता है इनका साथी कि शेयरिंग में रहता है और वो सबसे छोटा रूम है इस बिल्डिंग में तो इनको थोड़ा रेंट में कम में दे दिया है और उसकी हालत इतनी उसकी हालत इतनी गंभीर है अगर एक स्टूडेंट सोता है तो दूसरे को बैठना पड़ेगा अगर दूसरा सोता है तो जो सो रहा है उसको उठना पड़ेगा इतना स्पेस है वो रूम भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा कि कितना छोटा है आपको यू की तैयारी करने के लिए आप यहाँ पर आए आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि ये जो मुखर्जी नगर है या गोपालपुर है यहाँ पर बहुत सारे दोस्त अपने महीने में आठ हज़ार नौ हज़ार खर्च कर रहे हैं और आप इतना ढाई तीन में ही खर्चा चला रहे हैं क्यों मम्मी पापा का मुंह देख के या मम्मी पापा की तरफ सोच के मेरा घर पे जितना पैसा आएगा उतना ही करेंगे ना अब मेरे पापा बोलते थे घर पे ही रह के तैयारी कर कर लो अब यहाँ पर आए तो बोला इतना खर्चा बोला ठीक है जहाँ से देखिए मम्मी पापा की एक यही है कि वो नहीं खाएगा लेकिन आपको देगा वो बोला कि चलो जितना खर्चा होगा देंगे ज, बोला कि नहीं पढ़ो तुम जितना मेरा एक जमीन है वो घर बनाने के लिए रोड के किनारे लिए हुए हैं थोड़ा सा ज़मीन तो बोला नहीं होगा तो वो ज़मीन को बेच देंगे लेकिन तुम उन लोग को पढ़ाएंगे लास्ट तक पढ़ाएंगे जहाँ तक पढ़ोगे पढ़ो एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपके रूम का रेंट पंद्रह सौ है जी बिजली का बिल अलग से है। एक सौ रुपया सोलह सौ सो। सौ सो रुपये बिजली का बिल है सोलह सौ सो। तो दो आदमी रहते हैं आठ आठ सौ रुपये लगता है आठ सौ रुपए में आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं हाँ आठ सौ रहने खाने में टोटल में पंद्रह सौ से दो हजार के बीच में मेरा कम्प्लीट हो लाइब्रेरी खाना प्लस रूम का लेकिन रूम का तो आपका आठ ही हुआ ना हाँ बाकी उधर बारह रुपया लाइब्रेरी का कुछ कलम कॉपी भी लेना होता है साथ में दोस्तों दिल्ली के मुखर्जी नगर के पास मैं पहली बार एक ऐसा यू पी एस सी देख रहा हूँ जो आठ सौ रुपये किराया देता है अपने कमरे का और आठ सौ रुपये में अपनी तैयारी करता है इस वीडियो को आप पूरा देखिए कि, कि किस तरीके से जो यू पी एस सी है आठ सौ रुपये में अपनी यू पी एस सी की तैयारी करता है और उसने ठान लिया है कि यू पी एस सी को मैं क्रैक करके रहूँगा मेरा एक चैनल है बताए मैं, बताए किस मैं, नाम से है मेरा एक चैनल है आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा का 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 नाम मेरा चैनल है का सफर का सफर उसमें मैं होली, मैं होली में माइक लाने वाला हूँ उसमें बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट बनाकर आप लोगों को शेयर करूंगा प्लस में एक चैनल है ब्लॉग का तो उस चैनल का ब्लॉग का नाम ब्लॉगर चैनल का नाम है ब्लॉगर चैनल ब्लॉगर तो बहुत सारे होते हैं उसका नाम बताइए वो बताएल बता दीजिए ब्लॉगर गणेश ब्लॉगर गणेश जी हाँ दोस्तों इन्होंने अपने दो चैनल बताए हैं एक ब्लॉगर गणेश और एक आई का सफ़र हाँ तो आप वहाँ पे भी थोड़ा प्यार दिखाइए इनको बढ़ चढ़ के थोड़ा सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगा अभी टाइम आप देख सकते हो कि कितने बजे हम इनका ये वीडियो रिकॉर्ड करने हैं अभी चार बज के चार मिनट हो चुके हैं और आज है आठ मार्च 2022 ये टाइम है इनका वीडियो हम बना रहे थे और इनका रूम भी अभी आपको दिखाएंगे क्योंकि अभी हम दूसरे रूम में बैठे हैं क्योंकि एक जो इनके दोस्त हैं वो इनके रूम में सो रहे थे और मैं इनकी कहानी आपको दिखाना चाह रहा था कब से वीडियो देख रहे थे और आपको कैसे पता चला कि मैं आज यहाँ पे हूँ मैं एक बजे वहाँ रूम वहाँ से आया लाइब्रेरी से पढ़ के तो भूख लग गया था खाना बनाना था पढ़ते पढ़ते पता नहीं चला कि कब बज गया तो आया तो देखिए माचिस मेरा रूम में नहीं था तो भाई के पास आए जितेंद्र भाई के पास कि माचिस मांग के ले जाए तो मांग के जैसे दे देखिए आप यहाँ पे हैं एक बाग्य देखे तो हमको तो इतना खुशी हुआ कि चले भाई भाई मिल गए रहते तो आप यू की तैयारी करते रहिए आगे बढ़िए ठीक है और दोस्तों इनके लिए आप दुआई कीजिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए इनका रूम आपको जरूर दिखाएंगे सुबह इतना छोटा है आप देख सकते हो इस तरीके से इस तरीके से वो रहते हैं आप देख सकते हो कितना छोटा कमरा है और एक भाई बना रहे हैं अभी रोटी अभी इसी रूम में रहते हैं आप देख सकते हो ये है असली संघर्ष नगर का और ये कह रहे देखी, देखी, रहे ये कह रहे रहे हैं कि आप दिवाकर मैंने देखी-देखी लग रही है ये थे ये तो घर परिवार जब घर परिवार जब छोड़ के आते हैं तो इस तरीके से जो संघर्ष है वो चलता है यहाँ पे अपने आप खुद रोटियां बनानी पड़ती हैं ये एक कड़वी सच्चाई है मुखर्जी नगर की जो आपको नहीं पता है दोस्तों ये था उनका रूम आज की वीडियो में इतना ही जय हिंद बंदे मातरम